हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं सोनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे सोनम रावत व्लॉग्स में, फिर से एक नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार, साथ वालों को हाय हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, झक्कास होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत जो है वो हो रही है सुबह के 8 बजे से, और अभी जो है दाल रखने जा रही हूँ चूल्हे में। मैंने भिगोई है उड़द की और एक वो होती है सोयाबीन, वो दोनों साथ में भिगोई है, तो वो दाल बनाऊंगी। और बाहर मैं ना अभी आपको बाहर आसमान की वो दिखाती हूँ, वीडियो बना के दिखाती हूँ। इतना प्यारा और रखा है, इतना अच्छा और रखा है। तो पहले मैं वहाँ दिखाऊंगी, उसके बाद दाल रखूंगी, उसके बाद जो बर्तन वगैरह थोड़ा बहुत रह जाते हैं उनको भी धो के रख दूंगी। तो मिलती हूँ आपसे। जस्ट तैयार होके निकल ही रहा हूँ ऑफिस के लिए, और मेरे भाई का वेट कर रही हूँ मैं यहाँ पे। देखती हूँ कब तक आए गए। उधर गायें चल रही हैं, वहाँ देखो खेत में। गायें चल रही हैं इधर ही है। जेंटलमैन बनाओ। तो चलिए, तो फ्रेंड्स ऑफिस से आ चुकी हूँ मैं घर, और आज थोड़ा जल्दी आ गई थी क्योंकि मेरे भाई को 9-10 बज जाएंगे, तो मैंने सोचा कि मैं निकल लेती हूँ। एक भैया आ रहे थे तो मैंने उनको बोला कि आप ही आ जाओ मुझे छोड़ने के लिए। वैसे तो मेरे जो भाई हैं उन्होंने बोला कि जब आप जा रहे हो घर तो बहन को भी छोड़ते जाना, मतलब कि मुझे छोड़ते हुए जाना। तो मैं उनके साथ आ गई थी और थोड़ा जल्दी पहुँच गई आज घर। और ये रहे हमारी माताश्री जो कि यहाँ पे बैठी हुई हैं। तो क्या हो गया, कभी आप ऐसा टाइम आएगा कि तुझे नहीं देखेंगे? कल ਕਦਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਰਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਰਲ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਰਹਿਣੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਬੇੜਾ ਕੋਲ ਪਤਾ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਨਾ ਬਤਾਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਨਾ ਕਿ ਬਤਾਉਂਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਸ ਕੋ ਬਤਾਉਂਗੀ ਨਾ ਫੋਟੋ ਖੈਨੇ ਤਾਂ ਬਤਾਏ ਠੀਕ ਚ ਮੀਨ ਵੈਲੀ ਕਿਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਤਾਣ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਸਾਸ ਤਾਂ ਬਤਾਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਚ ਹਾਂ ਬਤਾ ਦੇ ਨਾ ਬਸ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਸਿਲੇ ਮਾਤ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਨਾ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਮਾ ਮਾਂ ਸੋ ਹੈ कर्मा माँ सो धर्म माँ भी सन। अच्छा धर्म इधर देखो, इधर एक्सरसाइज करी आपने? हैं कितनी बार? दो बार। मैंने फैन ऑफ कर दिया ना इस चक्कर में। और पता है रास्ते से जब मैं आ रही थी तो 2-4 लड़के थे, मतलब नहीं भी तो 11th-12th क्लास में रहे होंगे, इतनी गालियाँ दे रहे थे, मतलब 11th-12th आपस में ही दे रहे होंगे। भले कि मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब अभी 11th-12th क्लास में और इतनी गालियाँ, बाप रे, मतलब कान पे हाथ है। तो वही कह रही हूँ कि जैसे हमारे भी किसी की लड़ाई होती है तो मैं तो बोलती हूँ कि बोल लो अपने मुंह से जितना बोलना है, अंट संट पड़, लेकिन गालियाँ मत दो। मतलब गाली यार बेकार बात होती है, गाली देना। और गाली से तो मेरे को तो सबसे ज्यादा झल चढ़ के आती है। झल बोले ना गड़बल में, झल बोले तो मम्मी नफरत है, नफरत देखा, नफरत। हाँ सच में मुझे अजीब सा लगता है, गाली वाली तो नहीं देना चाहिए। और अभी है कौन सी क्लास में, 11th-12th क्लास के ही बच्चे लग रहे थे मुझे, छोटे छोटे बच्चे लग रहे थे। तो चलिए बात तो होती रहेगी, बाकी अभी चाय बनानी है, है? बना चाय बनाएंगे, थोड़े से नमकीन है मैंने फ्रिज बोल रही हूँ मैंने अलमारी के अंदर देखी तो चाय पीते हैं, चाय का आनंद लेते हैं। और फिर शाम को हम तो जाएंगे शादी में, मम्मी लोगों के लिए खाना बना के रख देती हूँ मैं, अभी से सब्जी बना लेती हूँ, रोटी मेरी बहन बनाएगी। तो चलिए पहले चाय बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्राइड राइस बना दिया है और चाय बन चुकी है, पियो मम्मी। यहाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे फूलों में पानी डाला जा रहा है, ये मनी प्लांट का पेड़ है, मेरी सिस्टर डाल रही है सब में एक एक करके बारी बारी से, इधर भी डाल दिया, इधर भी डाल दिया, इधर भी डाल दिया है। और रुक जाए एक मिनट, आ रही हूँ, मम्मी बुला रही हूँ मुझे, पर मैं ऊपर इसलिए आई मैं दिखाना चाह रही हूँ वो जंगल, देख रहे हो, देखो जंगलों में आग लग रही है, ये देखो। और जब ये आग लगने स्टार्ट हो जाती है ना तो और ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप शादी का सामान भी आ गया है, और ये वाला घर है ना जो यहाँ शादी है कुछ दिनों में,
दो चार दिन में। तो फिलहाल चलते हैं नीचे और हैं पानी बंद हो गया क्या, मुड़ गया होगा कहीं से पाइप, पाइप मुड़ जाता ना कहीं से तब भी नहीं आता। आ रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सूट रख दिया है, मेरी बहन यहाँ पे तैयारी कर रही है अपने, यानी कि मेरे साथ वही जाएगी। और यहाँ पे माताश्री भोजन ग्रहण कर रही है, मम्मी को तो दे दिया हमने, वहाँ पे टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भाई नहीं आया। उसके आने में अभी टाइम है, तो वो पता नहीं कब तक आएगा। फिलहाल मैं तैयार हो जाती हूँ, अगर आएगा तो ठीक है, मैं कॉल कर देती हूँ एक बारी। आएगा तो हमारे थोड़ा इजी हो जाएगा, हम स्कूटी से चले जाएंगे, नहीं तो पैदल जाना पड़ेगा, दोनों दोनों को बहुत ऊपर है, पैदल ही पाटे लगने पड़ेंगे। तो अभी रेडी हो चुकी हूँ मैं, और मेरी सिस्टर बाहर में है। फिलहाल वो क्या कर रही है, सैंडल वगैरह ढूंढ रही है अपने लिए, और माता श्री उधर जा रही है लेटने के लिए, और हम लोग निकलते हैं। अभी तो 9 ही बज गए हैं, 9:30 हो रहे हैं, ज्यादा जल्दी जा रहे मुझे ऐसा लग रहा है। इधर लाइट पे आ रही है तो ज्यादा चमक रहा है, पर इतना मेकअप नहीं कर रखा मैंने जितना फोन पे दिखा रहे हैं। तो हल्की सी क्रीम भी लगाई है, पता नहीं क्यों मुंह वाइट वाइट सा लग रहा है, फोन पे लग रहा है पर वैसे नहीं लग रहा है, ठीक है। ज्यादा मेकअप मैंने किया नहीं है, शायद लाइट के कारण हो सकता है। तो चलते हैं हम, और पैदल ही जाएंगे दोनों, क्योंकि भाई तो वो मुश्किल ही आएगा, मुझे लग रहा है वो 10-11 बजे तक बोल रहे थे आने के लिए, तब तक तो हम घर भी आ जाएंगे। तो चलते हैं, और ये मेरी सिस्टर जा रही है अंदर को, तो चलते हैं हम दोनों। पहले मैं फिलहाल एक सूट रख देती हूँ उसके लिए। तो ये सूट रख लिया हमने, और चलते हैं अभी। तो ये रही सुनसान गली, आगे रही भूतनी भूत मैं इसको कह रही ऐसा लगा तेरी बहन की शादी हो रही होगी। देखिए आते आते दोनों के दिल।
पास आ गए। तू है जीने की आधा, तू है, तू ही तू है सांसों की हवा, तू है, तू ही तू है ख्वाबों की बुआ, तू है, तू ही तू है मेरा खुदा। कभी धड़का नहीं था ये तेरी आहट इस दे गई धड़का। आ गई बारात, सब हो गया। हाँ सब हो गया। तो आज के ब्लॉग को हम इतना ही रखेंगे। आशा करते हैं आप सभी लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं आप सभी से एक नए ब्लॉग में, नई दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो बने रहिएगा सोनम राउत ब्लॉग के साथ। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।